जब रूह तो है बच्चे की है बसा है, सारी कायनात उसके आगे सजदा रेज है, चांद सात सूरज तारे उसके गुलाम है, सूरज सयारे उसके गुलाम है, जमीन आसमान उसके गुलाम है, मशरिक मगरिब उसके गुलाम है, हवाएं उसके ताबे हैं, बादल उसके ताबे हैं, आंधियां उसके ताबे हैं, अंधेरे उजाले का वो मालिक है, जिंदगी मौत के वो फैसले करता है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, एक अकेला अल्लाह, فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, एक अकेला अल्लाह, هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, एक अकेला अल्लाह, هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ, एक अकेला अल्लाह, هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, एक अकेला अल्लाह, الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ, एक अकेला अल्लाह, जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज ना हुआ, कुन ना हुआ, फिर क्या हुआ, अल्लाह हुआ। तकीब ऐसे हैं वो नारे ना लगाओ तो वो गर्म नहीं होते, तो मैं मुझे तकीब न बनाओ, मुझे तकीब न बनाओ, मस्जिद में नारे लगाना वैसे भी अच्छा नहीं होता, बाहर जितने मर्जी नारे लगाओ, लेकिन मस्जिद में नारे लगाना अल्लाह ताला हमारे बोलियों का भला करे। फिर उन्हें नारे लगवा लगवा के मस्जिदों की बेहरमती करती है, नारे लगाने में कोई पाबंदी नहीं, मस्जिद से बाहर, मस्जिद से बाहर जितने मर्जी लगाओ, जोर से लगाओ और जोश से लगाओ, मस्जिद का अदब है इतना बोलो जितना उसकी इजाजत है। तो इस वक्त चूंकि मजमा पड़ा है तो मैं ऊंची आवाज में बोल रहा हूँ, तो मैं इनके जज्बे की कदर कर रहा हूँ और असल मसला भी बता रहा हूँ कि मस्जिद इसके लिए मुनासिब नहीं, मस्जिद के बाहर जरूर ठीक है, मस्जिद के अंदर ठीक नहीं है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को पहचानो, ये तबलीग का पैगाम है, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, बेऐब ज़ात, मेरे अंधेरे का अमल भी देखे, उजाले का अमल भी देखे, और एक एक सिफत अल्लाह की पहचान लो, एक तो पूरी जिंदगी रुख पर आए कि अल्लाह रब है। जितने गैर मुस्लिम हैं उनको माबूद होने में धोखा लगा, कोई पत्थर के आगे, कोई दरख्त के आगे, कोई गाय के आगे, कोई बंदर के आगे, कोई इंसानों के आगे, जो उनको पता नहीं माबूद कौन है। अब मुसलमान सारी जिंदगी नमाज न पढ़े, उसे पता है सजदा सिर्फ अल्लाह को है, जो सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी, एक बार तक ये माथा सिर्फ अल्लाह के लिए और किसी के लिए नहीं है। रंगीला मरहूम का नाम तो आप सब जानते होंगे, जो हमारा अदाकार था, तो 1996 में हमने फिल्मी अदाकारों में काम किया, तो वो तो अल्लाह की मदद से बहुत बहुत करीब हुए दिन। तो एक दिन रंगीला को हम उठा के लाए, नुसरत चढ़ा हुआ, तो हमारी क्या सुनता, सारी रात अपनी सुनाता रहा, हम भी बैठ के सुनते, पहली रात उसने एक नहीं सुनी हमारी, सारी अपनी सुनाता, फिर अगली रात आया तो फिर हमारी सुनी, फिर वो रो रहा था बेचारा, आंसुओं से रो रहा था। तो उसने अपना वाकया सुनाया कि मैं गया नेपाल फिल्म की शूटिंग करने, मुझे पता चला एक मंदिर है जिसमें सिर्फ हिंदू जा सकता है और कोई नहीं जा सकता, किसी मजहब वाला नहीं, तो मुझे शौक हुआ कि मैं देखूं, तो मैंने मेकअप मैन से कहा, गंजन उठाई तो मेरी चोटी बना पंडित वाली, तो उसने पंडित वाली चोटी लगा दी और इधर रंग लगा दिए, उसने दो कड़े पहन लिए और पीले रंग की दो चादरें एक ऊपर ले ली एक नीचे बांध ली, और पूरा पंडित बन के जब पहुंचा मंदिर के दरवाजे पर, जोर से नारा लगाया हरे राम, उन्होंने कहा पता नहीं क्या महाराज आ गया, सबने कहा महाराज, और दरवाजा खोल दिया, कहा मैंने पैसे भी ले लिए साथ, वो नकदी चेंज, तो वो मैं ऐसे नोट निकाल के फेंकने लगा, तो उन्होंने तो मेरे नारे लगा दिए जय महाराज जय महाराज का, मैं भी बड़ी चस सही जा रहा जा रहा, आगे देखा तो मेरा कलेजा उछल के मुंह को आ गया और मेरा सर घूम गया, क्योंकि आगे गाय चीज सोने की बनी हुई फुल साइज जो जा रहा था उसको सजदा कर रहा था। मैं क्या मर रंगीले सही राम था सही, अब अगर तू सजदा करे तो ईमान गया,
और ना करे तो जान गई का वक्त तो आया क्यों और तू आया क्यों का अपने आप को गालियां दे रहा है तू आया क्यों। अब सजदा करो तो सारी जिंदगी शायद उसने वही नमाज पढ़ जो हम खेच कर लाए, ये मुमकिन है कभी कोई ईद पढ़ी हो, लेकिन उसका ईमान कैसा है, कहता अगर मैं गाय को सजदा करूं तो मेरा ईमान गया, अब ना करो तो जान गई। तो हाँ खैर मैं बड़े एतमाद में चलता गया चलता गया चलता गया चल, जब गाय के करीब आया तो मैंने कहा यार अल्लाह तैन तो पता है मैं सिर्फ तैनू सजदा कर रहा गांव नहीं कर रहा अल्लाह। तो बहुत कम मुसलमान है जिनको माबूद का धोखा लगा, कब्रों पर सर टेकने वाले बहुत थोड़े नादान किस्म के लोग हैं। थके से थका मुसलमान भी जानता है माबूद अल्लाह है, ये धोखा लगा गैर मुस्लिम को। मुसलमान को जिस चीज में धोखा लगना था अल्लाह ने उससे कुरान शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें अल्लाह की, उस जात को सिफात से पहचाना जाता है। तारे जमील एक डॉक्टर भी है वहां पाकिस्तान, एक वकील भी है, तो साथ लगता है डॉक्टर तारे जमील तो अलग हो गया, मौली तारे जमील वो अलग हो गया, वकील तारे जमील वो अलग हो गया, जात को सिफात से पहचाना जाता है। तो अल्लाह अपना नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, अपना नाम है कि मैं अल्लाह सब तारीफ है मेरी, मैं कौन हूं अल्लाह अपनी सिफात में से, कितनी सिर्फ मैंने भी आलमों के सामने अल्लाह के सिफाती नाम पेश किए, तो कितने नाम है अल्लाह के, किस नाम को लाया रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन, मैं वो अल्लाह हूं जो सिर्फ तुमको नहीं कुल कायनात के जानदार बेजान को पालता हूं, जमीन के नीचे ऊपर, पानी के नीचे ऊपर, हवा में खला में, आसमान पर आसमान के नीचे, मशरिक मगरिब रब्बुल मशरिक वल मगरिब ला इलाहा इल्ला हु फत्तखिज़्हु वकीला रब्बुल मशरिकैन